हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सो हमारा अभी हिंदी क्लास शुरू हो रहे हैं, भगवत गीता। जिसको हिंदी मालूम है सो आप लोग सुन सकते, मालूम हो भाई नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं। शास्त्र में लिखा है ये जो शब्द ब्रह्म जो भगवान का ये है अप्राकृत तो ट्रांसेंडेंटल होता है। ये हमारे अंदर जाए तो हमारा हृदय का परिशोधन होगा। इसलिए हम लोग को चाहिए ये शास्त्रों का कथा हम समझे और ना समझे इसको लेना चाहिए। इसीलिए कहावत में कहते हैं भालो ना भालो खाओ तीखा, मतलब तीता जो कड़वा चीज, भालो ना भालो खाओ कड़वा चीज, और बोझो ना बोझो पढ़ो गीता। भालो होक और खराब होक आप उसको कड़वा चीज को लेना चाहिए, और बोझो और ना बोझो आपको गीता रोज दिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा का वाणी है। सो ये लोग सब समझ जाएंगे। सो ओके नाउ यू स्टार्ट टू रीड इट। 11 नंबर श्लोक। हम लोग भगवत गीता का फर्स्ट अध्याय में पहला अध्याय का 11 नंबर श्लोक से शुरू कर रहे हैं। मेरे तो लग रहा है 11 हो गए, ये 12 से होगा क्योंकि 11 दोनों एक साथ में श्लोक है। 12 से शुरू करते हैं। तस्यो सञ्जनयनो हर्षं कुरु विद्धो पितामहो सिंहनादं विनदोच्चैः शङ्खं दधौ प्रतापनो। पढ़िए 12 नंबर पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध ब्रह्म प्रतापी एवृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इन्होंने बोला जे कुरु वंशों का पिता भीष्मदेव जिस टाइम उसका शंखनाद उसको आवाज किया तो उस समय दुर्योधन के अंदर हर्ष आनंद। हाँ पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावंश, और उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष के साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध के मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब इससे हमारा शिक्षा है, हम लोग ये शिक्षा ले सकते हैं। देखिए भीष्मदेव ने उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लेके युद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने जिस टाइम युद्ध दुर्योधन का पक्ष लेके युद्ध कर रहे हैं तो अभी उन्होंने उनको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उनका नमक उन्होंने खाया, उनका साथ काम किया। तो इन्होंने जो शंख बजाया उसका जो आवाज हो रहा है उस आवाज से दुर्योधन क्या सोच रहे हैं हमारा जय होगा, बट भीष्म देव ने जाना जी इसका जय नहीं होगा, ये जो आवाज हो रहा है इसका ये ध्वनि दे रहा है जो तुम्हारा विपक्ष में जो ध्वनि हो रहा है उसका जय होगा तुम्हारा ध्वनि नहीं। और एक चीज हमारा इससे शिक्षा है, जो व्यक्ति मूर्ख होता है जो व्यक्ति बुद्धि कम होता है उसको एक स्वभाव होता है, क्या है, वो सोचता है उसके पार्टी में कोई अच्छा बुरा कुछ करे वो सोचे जो हमारा बहुत भला होगा, बट वो विचार नहीं करे
दूसरी पक्ष में क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सोच नहीं रहा है। इसीलिए दुर्योधन खुद को सोचता है हमारे पास भीष्मदेव है, ये है विचार। इसीलिए शास्त्र में कहता है, हम लोग काल भागवत में पढ़ रहे थे, जिस टाइम आदमी पाप कर्म में लिप्त होता है ना, विदुर जी ने बता रहे थे उस समय, विदुर नीति के अंदर बोल रहे थे, जो पाप कर्म में शामिल होगा ना उसका बुद्धि क्या करता है, माया हरण कर लेता है। इसीलिए दुर्योधन ये आवाज सुन के वो सोच रहा है जो ही होगा, पर उसका बुद्धि दिमाग में काम नहीं कर रहा है। हमारे दूसरी पक्ष में जो आवाज हुआ उसके पास भगवान है, उसके पास सब कुछ है, तो वो तो जो ही होगा। इसलिए आदमी जिस टाइम बुरा काम करने के लिए जाते हैं उस समय उसका बुद्धि निकल जाते हैं। इसीलिए जीवन में, काल हम लोग भागवत में पढ़ रहे थे, जीवन में बुरा काम में शामिल होना नहीं चाहिए। बुरा काम में हो गए तो आपका जो अच्छा भाला बुद्धि है उसको खरीद कर लेगा। ये माया का पहला काम है, वो आपके अंदर घुस के क्या करेगा, आगे आपका बुद्धि को खरीद कर लेगा। क्योंकि आदमी सब कुछ करते है कि किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो उसका बुद्धि यदि खरीद मतलब चले जाए तो उसका कोई दिमाग काम नहीं करेगा ना। हेड डिपार्टमेंट यदि ले ले तो और क्या है, और कुछ काम नहीं करे। इसीलिए कहते हैं ना, कामो ऐशो क्रोधो जो रजोगुण समुद्र, काम क्रोध क्या करते हैं पहले हमारे अंदर आके वो बुद्धि को क्या करते हैं, पहले कलप्स कर लेते हैं, उसके बाद वो बाकी चीज कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जानना चाहिए बुद्धि को हर समय क्या करना चाहिए, इससे शिक्षा है। बुद्धि को हर समय शास्त्रों के आधार पर, आचार्य लोग के सिद्धांत के आधार पर चलाना चाहिए, तो बुद्धि क्या होगा, ब्लाइंड नहीं होगा, शार्प होगा। जैसे कोई चक्कू, आप यदि ऐसे कोई क्या बोलते हैं राफ चीज के ऊपर उसको क्या बोलते हैं शान देने लगे तो उसका शार्प नहीं होगा और ब्लाइंड हो जाएगा। बट आप यदि उसको रेती के ऊपर शान देने लगे तो और चमकने लगे और उसका शार्पनेस बढ़ने लगेगा। इसीलिए जो व्यक्ति जीवन में गीता भागवत के शास्त्रों के आचार्य के सिद्धांत के ऊपर मार्ग के ऊपर चलेगा तो उसको जीवन अच्छा होगा। ये बुद्धि काम करते है, बुद्धि उस समय आपको काम नहीं करे, बुद्धि क्या काम करेगा, अरे नहीं क्या होगा, है ना। सोचो आपके आपका क्लास में कोई नहीं आ रहा है, वो लोग सोचते हैं दूर है सुंदर नितंद क्या है क्या करें, हम तो जानते तो प्रभु जी छोटा है, तो कोई महाराज जी होते तो जाते थे, मेरा दीक्षा का सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाते थे, पूरा भाव उठाव होते थे, मेरा भी कोई पोस्ट मोस्ट मिल जाते थे, हम भी क्या करते थे ऑस्ट्रेलिया में मंदिर के साथ मेरा लाइन घट रहते थे। इसलिए वो सो ये बुद्धि काम कर रहे, बुद्धि उस समय शैतानी कर रहे है ना। हमारा जयदरादा सोच है, अरे हो गए प्रभु जी को कितने क्लास दे, मेरे तो सब श्लोक याद है ना। जयदरादा भूल जाते हैं जो प्रभु जी को रोज दिन श्लोक देना पड़ेगा। इसीलिए जिस टाइम माया पकड़ लेते ना उस समय हम लोग सब सोचता है नेग्लेक्टेड वे से देखता है। इसीलिए समझना चाहिए जिस टाइम अच्छा चीज को हम नेग्लेक्ट करना चाह रहे हैं उस समय आपको ध्यान देना चाहिए, मेरे को माया पकड़ लिया, इसलिए मैं सब उल्टा सीधा चीज सोच रहा है उल्टा से। दैट्स व्हाई नेवर वी थिंक अबाउट दैट व्हाटएवर द गुड थिंग्स और गुड डीड इज गुड फॉर योर लाइफ, यू नेवर ट्राई टू बी इग्नोर एंड नेग्लेक्ट। इफ यू नेग्लेक्ट दैट मीन्स यू आर करप्टेड बाय द माया, यू आर करप्टेड बाय माया। उसके बाद हाँ ये पढ़िए। उसके बाद प्रभु यही तक खत्म हो गया। आप सॉरी 13 नंबर से जी प्रभु। ततो शंखाच्च भीर्जच्च पनो बानक गोमुखा सहो शैबाभा हन्नंत सशब्दस्तु मूल अवद। पढ़िए। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह
समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। एक चीज देखिए, ये जो जो चीज बाज रहे हैं ना, ये भी हम लोग साइंटिफिकली देखिए, शंख। शंख किसका पुत्री? ये तो भगवान है ना, शंखचूर को मार के वो शंख ले गए। भेरी पौन आनोक, जो भगवान जन्म होने के बाद ये आनोक दुदुम्बी बांध बाज रहे थे आकाश में, इसीलिए वसुदेव का एक नाम है आनोक दुदुम्बी, वसुदेव का एक नाम है। इसके बाद धाक गोमुख, ये गोमाता है भगवान कृष्ण का प्रिय। ये जिस टाइम बाज रहा है, ये की हमारे पराजय का ध्वनि सुनाएगा ना, विजय का ध्वनि सुनाए, तो भगवान का विजय ध्वनि सुनाएगा, भगवान का भक्तों का विजय ध्वनि सुनाएगा। इसके बाद 14 नंबर, ततो शीत हयुक्त महती सनंदने स्थित माधव पांडव चैव दिव्य शंख प्रधाम दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में। एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं जो दिव्य शंख बाज रहे, इससे साइकोलॉजिकल चीज मतलब साइंटिफिक चीज, दिव्य किसको कहता है? जिसके अंदर दैव गुण है। जिधर दिव्य शंख बाजेगा, इसका मतलब जो लोग दैव गुण के ऊपर निर्भर करके युद्ध करेगा उसको ही जय होगा ना। इसीलिए भगवान और अर्जुन ने जिस टाइम उन्होंने दिव्य शंख बजाया, इसके द्वारा उन्होंने दिखा रहे जे हमारे ये जो प्रतिपक्ष, ये इनको विजय होगा, क्योंकि इन्होंने दिव्य शंख बजा रहे, इसका अंदर दैव गुण है। और दैव गुण क्या है? जो डिवाइन क्वालिटीज होता है। सो दोज हु आर कंटिन्यू हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द ट्रांसेंडेंटल थिंग्स, ही विल बी द विनर इन हिज लाइफ, विनर इज लाइफ। हो सकते टेम्पोररीली हम सोच सकते इन्होंने ना बहुत कुछ कर लेगा, बट अल्टीमेटली जॉय किसको होगा? जो दिव्य मार्ग में चलेगा, दिव्य भावना में जो जीवन बिताएगा, उसको जीवन में जय होगा। नेक्स्ट, दिव्य शंखों की नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणा येषा पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्रों जैसो की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहां इसका मतलब, इसका मतलब प्रभुपाद द्रियो कंठ में बोल रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान के रास्ता में चलेगा, जो व्यक्ति भगवान को साथ लेके चलेगा, उसको जय निश्चित। इसलिए हमारे जीवन में भी, हम लोग को भी जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए, है ना जय राधा। तुम सुन रहे ना कि कान बंद करके सुन रहे? क्या मैं बोला कि जो भगवान के रास्ते पे चलता है वो उसका विजय निश्चित है। हाँ, इसका मतलब जो ठाकुर जी को साथ में लेके, ये भगवान को साथ में नहीं, जो गले में मैं एक लॉकेट लगा लिया, ठाकुर जी का लटका ले लिया, बस मैं तो ठाकुर जी के साथ चल रहा है। ये लॉकेट लगाने के लिए नहीं बोला, मतलब ठाकुर जी का इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो चलेगा उसका विजय निश्चित। इसीलिए दोज हु आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड एंड टू बी कीप गोइंग ऑन इन हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, दे विल बी द विनर इन देयर लाइफ, व्हाटएवर डिफिकल्टीज कम, बट कृष्ण इज ऑलवेज विथ हिम बाय द थ्रू द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद, और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती, अतः
जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसका मतलब इससे हमारा शिक्षा क्या है, हम यदि भगवान के मार्ग पर चले तो सौभाग्य देवी लक्ष्मी माता हर समय हमारा रहेगा, दोनों तरीके से विजय भी होगा हमारा धन संपद भी होगा। तो जो व्यक्ति ठाकुर जी के मार्ग पर जीवन बिताएगा सौभाग्य देवी उसके साथ रहेगा, क्यों पोती क्या बोलता है सोती पत्नी हर समय स्वामी को फॉलो करता है, जो गंदा पत्नी होता है वो स्वामी के विपरीत में जाता है, वो अलक्ष्मी होता है, पर जो लक्ष्मी है जो सोती नारी होता है वो स्वामी के मार्ग पर चलता है। तो लक्ष्मी देवी है पतिव्रता नारी, तो हर समय देखे जिधर हमारा कृष्ण विष्णु का सेवन होता है पूजन होता है उसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो चल रहे हैं उसके जीवन में लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद रहेगा कोई भी ना कोई उपाय से। इसका मतलब क्या है, सोचो आप कुछ कर रहे हैं आपको छोड़ के कोई चले गए, आप सोच रहे हैं मैं अकेला कैसे करें, देखोगे ठाकुर जी ठीक करा ले गए क्योंकि लक्ष्मी देवी आपके साथ है, तो आप उनके पति का मार्ग के ऊपर चल रहे सो ठीक, लक्ष्मी देवी सब आजू बाजू में सेटिंग कर देगा सब कुछ। इसीलिए हमारे जीवन में एक ही चीज बार बार सिखा रहे, जीवन बिताना है तो जीवन जीना है तो ठाकुर जी के लिए जीना चाहिए, मरना है तो ठाकुर जी के लिए मरना चाहिए। उसके बाद इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। देखिए सिंबल दिखा रहे, जो रात में ये लोग दोनों मित्र चल रहे वो अग्निदेव का दान हुआ एक रथ था एकदम। इसके द्वारा और एक शिक्षा ले सकते क्या है, हमारे जीवन में भविष्यत में कोई काम में क्या होगा भाई कि नहीं होगा उसका निशान आगे से हमारे मिल जाते यदि हम बुद्धिमान हो। आप सोचो कोई काम करने के लिए जा रहे हैं सो आप आगे से समझ जा सकते ये तो गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ सिम्टम आगे से भगवान दे देगा जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको। सोचो सच एग्जाम्पल, आप वृंदावन आ रहे एक ग्रुप लेके, कोई कोई बोल रहे हैं ठीक है नीतू माता जी मैं आपको एक काम करे पेमेंट अगले हफ्ते में दे दे, ठीक है अगले हफ्ते में दे देना। उसके बाद आप बोला प्रभु हमारे तो सुंदर निधन प्रभु के पास पैसा भेजना पड़ेगा, आप दिए ठीक है माता जी नेक्स्ट वीक में दे दे, तो आपको समझना है जे ए लोग तो हमारे जाके लापरा में पड़ेगा उसको आगे से काट करना पड़ेगा, भाई तुम्हारा आना जरूरत नहीं तुम अलग से जाओ मेरे ग्रुप में मेरे जरूरत नहीं कि तुम जाके धाम में तुम्हारे साथ में मेरे का लापरा हो जाएगा। इसीलिए सिम्टम से आदमी लोग सोचता है, कार्य बिना कारण नहीं होता है, इसलिए कुछ होने के पहले उसका कार्य देखभाल करना चाहिए। क्या होता है जैसे शादी के समय लड़का लड़की को आगे से देख लेता है ना, कोई ढूंढ के उसका बारे में जानकारी ले लेता है, ऐसी जीवन में कुछ करने के पहले आपको सिम्टम दे देता है भगवान ये होगा ये नहीं होगा। जो बुद्धिमान है वो समझ सकते हैं और जो मूर्ख आदमी है वो कभी समझे नहीं, कभी समझे नहीं। प्रभु ओके इसके बाद पंडरना पांच जन्म ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधम महाशंखम भीम कर्म विकादरो ब्रिकोदरो। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एव अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे इस मस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः
जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं, क्योंकि निर्वेशवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों के इंद्रिय रहित हैं या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह का निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। एक मिनट, इसके द्वारा ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ने सबका इंद्रियों का ईश्वर है, इसका मतलब वो सबका मन का खबर उसके पास है, इसलिए दोनों का ही मन का खबर है। ये अर्जुन पांडव का भी उसके मन के अंदर क्या चल रहा है उसके पास वो पता है, और दुर्योधन के अंदर भी क्या मन में चल रहा है वो भी पता है। दोनों के ही ठाकुर जी भक्ति मार्ग में लेके आए, इसको साथ में लेके लेके आएगा और उसको घुमा के लेके आएगा। ये जो उसको पराजय होगा, सोचो ये दुर्योधन को, और उसको मरेगा, वो मरेगा तो बाद में ठाकुर जी को देख के ही मरेगा ना, तो बाद में उसको ही तो फायदा होगा। इसका मतलब इससे शिक्षा है, ठाकुर जी यदि किसी का क्षति भी करे, कुछ बुरा भी करे, तब भी उसके लिए अच्छा है, तो वो भी भक्ति के लिए होता है। तो ठाकुर जी यदि किसी को कोई बुरा करे तो जगत में क्या हो सकते है। इसीलिए जिस टाइम पुतना का स्तन में ठाकुर जी ने कमर लगाए, उस समय पुतना ने बोल रहे थे, छोड़ दे कान्हा, मेरे को छोड़ दे। गोस्वामी लोग ने लिखा है, कन्हैया ने मन में सोच रहा है, पुतना मैं यदि जिंदगी में किसी को छोड़ देना तो कौन तेरे को पकड़ के रखेगा, मैं तो जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको मुक्ति ना दे के छोड़ते नहीं। इसीलिए ठाकुर जी यही सिखा रहे, हे दुर्योधन तू जितना ही सोचो जी इधर उधर करे, मैं तेरे को ठीक घूम के तेरे को भक्ति में लेके आ। तू आज पाप पथ में क्यों आया, तेरे अर्थों के लिए, इसीलिए मैं तेरे जीवन से आगे अर्थों को अर्थ से विनाश करूंगा, और उसके बाद ही तू मेरे चरण में शरण ग्रहण करेगा। और अर्जुन को भी मन का खबर जानते, ये लोग तो ऑलरेडी इसके साथ में है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ समय पहले हम लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे, एक लीला था, दोनों चोर ठाकुर जी को कंधे के ऊपर उठा के लेके जा रहा है, सोच रहा है इसको जंगल में लेके जाके मार देंगे और उसके सोने वगैरह चोरी करके ले, ठाकुर जी उसको घुमा के घर में लेके आए। तो हम लोग भी ऐसे जिंदगी में सोचता है, ठाकुर जी को फाकी मार के मैं बड़ा कुछ कर लूं, है ना। वो लोग जैसे जिस लोगों को क्लास सुनने के लिए बोलने के लिए आया, वो सोच से हम बहुत कुछ जान रहे, ठाकुर जी ऐसे जगह में उसको पीठ ठिका देगा ना दीवार के साथ, वो उस समय उसको सुंदर नित्यानंद को जरूरत होगा, बस उस समय सुंदर नित्यानंद साथ में नहीं रहेगा। सबको आना पड़ेगा, अभी ज्यादा दौड़ते रहो कितना दौड़ोगे, एक दिन तो आना पड़ेगा ना। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, ज्यादा फरफराओ मत, सोच रहा है मेरे खा बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, कॉफ आ गए, कुछ बोल नहीं पाए, तुम्हारे भी एक दिन बिस्तर के ऊपर आना पड़ेगा। सुना चंदू, बोलो मत, बुढ़ापा सबको ही आना पड़ेगा। कितना दौड़ोगे, कितना बच्चों को लगे, इतना बच्चों बच्चों दिखा रहे, ये बच्चों ही एक दिन लात मार के फेंक देगा सब, दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके चले जाएगा, उस समय तुम आंगुल चोसते रहोगे, सुंदर नित्यांग ढूंढ रहोगे, उस समय दूसरे ठाकुर जी बोले अभी सुंदर नित्यांग को एक्सेस नहीं मिलेगा, तू अभी देख कैसे लगे। इसलिए हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए, समय जिस टाइम है उस टाइम उस चीज को करना चाहिए, समय यदि एक बार चले जाए उसको और कभी नहीं। टाइम इज द मनी, इसलिए सब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग कहते हैं, मनी इज नथिंग, टाइम इज एवरीथिंग। समय में सदव्यवहार नहीं करोगे देन योर लाइफ इज स्पॉइल्ड। पैसा जीवन में बड़ा चीज नहीं, टाइम इज द वैल्यूएबल थिंग। सो टाइम को ठीक से इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। इफ यू आर नॉट टू यूटिलाइज द टाइम, आपका जीवन इज एवरीथिंग स्पॉइल्ड। सो इफ यू यूटिलाइज योर टाइम ऑन द अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देन यू विल बी द विनर, क्योंकि मनी इज नथिंग, टाइम इज एवरीथिंग, बिकॉज कृष्ण विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी गिव,
And that according to the time, if you are accepted the opportunity, then you will be gainer. But if you are losing one time, millions of money you have in the bank, you can't do anything. Duniya mein kitne sari log dollar ke dollar bada hua hai. Mere English group mein aaj ek mata ji mere ko phone kiya. Wo hamari English class karte the. Uska do vaccine le chuka. दो वैक्सीन अभी कोरोना वायरस ऐसा है उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है दो दिन से आईसीयू में मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ अभी लग रहा है उनका आईसीयू में लेगा डॉक्टर को बोला मेरे पास जो पैसा है मेरे को नहीं डॉक्टर बोला पैसा से जिंदा नहीं मिलता है प्राण नहीं मिलता है इसीलिए कितना दौड़ोगे दौड़ते दौड़ते तो एक जगह रोकना पड़ेगा इसीलिए ध्यान से रोकना हाँ बोलिए यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन के दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है अपने मित्र अर्जुन के सारथी बनने के कारण पार्था सारथी है इसी कारण उनका एक नाम ऋषिकेश है उन्होंने क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी इसी प्रकार भीम रुकोधर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अति मानवीय कार्य करने वाले हैं जैसे हिंडम्बासुर का वध अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था विपक्ष में ते इसका मतलब इसके द्वारा भगवान सुना रहे थे प्रभुपाद जी ने इसको समझा रहे थे हम लोगों को अर्जुन के अंदर भी इंद्रिय है एकादश दुर्योधन के अंदर भी इंद्रिय है बट इंद्रियों के स्वामी के साथ में नहीं लो तो इंद्रियों दूसरा दिग डाइवर्ट होगा इसके अंदर भी एकादश इंद्रिय है उसके अंदर भी एकादश इंद्रिय बट प्रॉब्लम क्या है इसका इंद्रियों ठीक से साई मार्ग में नहीं चल रहा है क्योंकि ये कृष्ण के साथ में नहीं है और अर्जुन का इंद्रियों ठीक से चल रहा है क्यों पंच पांडव का इंद्रियों ठीक से चल रहा है क्यों इसको कृष्ण के साथ में है तो इसीलिए हमारे जीवन में शिक्षा है इंद्रिय होना ही अच्छा नहीं जीवन में मनुष्य जीवन मिलना ही अच्छा नहीं इसके साथ यदि कृष्ण नहीं रहे कृष्ण का इंस्ट्रक्शन नहीं रहे तो ये बेकार हो जाएगा ऐसे भगवान का अलग अलग नाम दिया लीला के अनुसार ये बता रहे थे बट इससे मेन शिक्षा है कुछ चीज हम भगवान का हमारे पास गीता है हमारे पास भागवत में गीता है भागवत में ये बड़ा कुछ नहीं इसको आप ठीक से इस्तेमाल कर रहे कि ना इसको आप ठीक से पढ़ रहे कि ना इसका शिक्षा जीवन में उतार रहे कि ना ये है सबसे बड़ा चीज इसीलिए कोई कोई इंडियन आदमी को आप भारतवासी को अरे प्रभु मेरे घर में गीता है मैं भी क्या क्या सोमवार जी को हनुमान जी का उपवास करते हैं ये बहुत कुछ बता रहे हैं बट ये धर्म नहीं आप गीता पढ़ के उसके शिक्षा कितना उतारा जीवन में ये पहले आप मानो समझ गए तो इसका है लौकिक धर्म उसके बाद आता है पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था विपक्ष में ऐसा कुछ ना था ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे ना ही भाग्य की देवी श्री थी अतः युद्ध में उनकी पराजय
पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। इसका मतलब इससे एक उदाहरण से समझा जाए, जो खाली कोलची होता है ना, जो पानी का घड़ा होता है, उसको ज्यादा साउंड होता है, बट अंदर में कुछ नहीं। बट जो भरा घड़ा होता है उसको आवाज लगाओगे तो आवाज उतना नहीं होगा, बट उससे प्यास मिटेगा क्योंकि उसके अंदर पानी है। इसके बाद बुलेट देखो, जो जिसके अंदर बुलेट नहीं है उसको मारोगे तो ठाश करके एक आवाज होता है, बट उससे कोई मरेगा नहीं। बट जिसमें बुलेट है आवाज उतना नहीं होगा, बट आदमी मरेगा। इसीलिए इसका ये प्रभुपाद जी यही बोल रहा है, जो खाली चीज है अंदर में भक्ति नहीं कुछ नहीं, वो ज्यादा बाजता है, ज्यादा आवाज होता है, ज्यादा थर्ड बर्ड दिखाते हैं। बट जो भरा होता है भक्ति में उसका आवाज कम होता है, बट अंतिम में उसका ही क्या मिलता है, उसका ही विजय प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे जीवन में ऐसे खाली कुलची खाली घारा नहीं बनना, भरा रहना चाहिए, तो जीवन में हमारा विजय निश्चित। फाका वो सब थर्ड बर्ड और सब बकवास चीज दिखाना जरूरत नहीं। डोंट बी शो केस, बी ए रियल केस। शो केस होके दिखाना चाहिए नहीं, हम बहुत भक्ति है, हम ये जा रहे क्लास कर रहे, हम उधर जा रहे क्या कर रहे। अरे भाई एक दिग में तो क्लास करो, क्या कर रहे हैं, कौन सी कुछ तो नहीं देख रहे आप जो क्लास वगैरह कर रहे, कुछ कर रहे। बट ये लोग बाहर से बहुत थर्ड बर्ड दिखा रहे, हम लोग भी ऐसी भक्ति करते हैं। बट जो अच्छा है, इसीलिए बंगाल में कहावत है, खाली कुलची बाजे विश, जो खाली का घारा होता है ना उसका आवाज ज्यादा होता है, और जो भरा कुलची है उसमें कोई आवाज वगैरह नहीं है। इसलिए जीवन में गोस्वामी लोग इतना बहुत बड़ा भक्त थे यार, सबको क्या बोलते हैं, हमारे पास भक्ति नहीं, बट हम लोग दो एक दो माला करके बोलते, अरे पूरा फटा दिया, मैं बहुत माला कर रहे, सुबह उठता है 4 बजे। इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं, प्रभुपाद जी ये शिक्षा दे रहे हैं। ज्यादा शोर मचाने जरूरत नहीं, जो भी करो ठीक से करो, सही ढंग से करो, भगवान देख रहा है सब कुछ, शोर मचाना जरूरत नहीं। समझ गए? तो ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। नाउ आई विल 6:30 अगेन स्टार्टिंग द बंगाली गीता क्लास, क्योंकि हमारा 8:30 गल्फ कंट्री में ये देना पड़ेगा, वृंदावन लीला क्लास है, इसीलिए आपको मैं तो 40 मिनट क्लास दे दिया। सो नेक्स्ट क्लास इंग्लिश से होगा, मैं आपको बता दूं कौन सी डेट कौन सी देखता हूँ, फ्राइडे यदि सबको सुविधा है तो फ्राइडे में मैं कर लूँ, ठीक है। ऐसे एक घंटा ये क्या बोले विशाखा माता जी, फ्राइडे इज ओके। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। फ्राइडे इज अ वर्किंग डे प्रभु। सो व्हिच डे इज बेटर, सैटरडे? यस, यू शुड गेट मोर पीपल इन द इवनिंग लाइक दिस टाइम। सो दैट इज आई एम टेलिंग दैट सैटरडे इज द बेस्ट। या इट्स ओके, सैटरडे और संडे? I think Saturday. Okay, then Saturday we have to do. Okay, into my Saturday we will be do 1 hour to speak. Then okay. all the devotees can come. Even your children can. Then that will be accessible for them. I will speak to the English. So other devotees, even we are advertising, then people also can come because English some of them can understand. Then our Joyrada also. She is also know the English. Jayaradha, slok yaad kiya? Main thodi 15 minute baad mein tumhara slok lunga. Jo 6:30 mein jo class hoga na, Bengali, usme slok bolna padega. Okay? Memorize the slok. Hare Krishna. To theek hai, aap log jo live mein sun rahe, sabko bahut bahut स्वागत है। आप लोग इतना धैर्य धर के ये सुना, नीतू माता जी को भी थैंक यू। सो नेक्स्ट क्लास विल नेक्स्ट वीक, आई मीन नेक्स्ट वीक मींस आई हैव टू
we not to be getting ready, not to too much late because I don't like it late. So that means tomorrow, Saturday, I'll give the class. Okay? For 6 o'clock. Okay? 6 o'clock because 5 o'clock I am going to giving the classes. Oh, sorry, 5:30. 5:30 I'll give the class because I am giving the class to the Chaitanya Chaitanya. 5:30 to like 5:40, something like that. Okay? Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Thank you so much.